जिला बिलासपुर के अंतर्गत खेड़ा वार्ड से विमला देवी जिला परिषद बिलासपुर अध्यक्ष होंगे। मंगलवार को जिला परिषद भवन में आयोजित हुए चुनावों में विमला देवी को जिला परिषद अध्यक्ष चुना गया। डीसी बिलासपुर अबिद हुसैन सादे की अध्यक्षता में आयोजित हुए इन चुनावों में सर्वसम्मति नहीं बनने के चलते भाजपा की ओर से विमला देवी और कांग्रेस की ओर से शालू रनौत ने आवेदन किया। दोनों ही प्रत्याशियों को साथ साथ मत पड़े, वही इसके बाद फैसला ड्रॉ के माध्यम से हुआ। इसमें विमला देवी को जिला परिषद अध्यक्ष चुना गया। हालांकि इससे पहले जिला परिषद सदस्य प्रोमिला वसु ने भी अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष पद पर कुठेड़ा वार्ड से विमला देवी अपनी आप सेवाएं देंगे। अब उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। आइए आपको दिखाते हैं बिलासपुर से संवाददाता सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। और मैं सबसे पहले तो डीसी साहब का और अपने डीपीओ सर का और फिर सब पूरे स्टाफ का व अपने जिला परिषद जो जितने भी मेरे सदस्य हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं यही विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी जिला परिषद का कार्य मुझे मिला है उसे मैं पूरी ही निष्ठा के साथ और पूरे अपने कर्तव्य समझकर पूरा करूंगी और सबको साथ लेकर चलूंगी, यही मैं कहना चाहती हूं। देखिए, आज जिला परिषद के चुनाव हुए जिनमें पहले 3 नामांकन आए, विमला देवी जी का, शालू कुमारी जी का और प्रोमिला जी का। लेकिन प्रोमिला जी ने फिर विड्रॉ करके अल्टीमेटली 2 कैंडिडेट्स थे हमारे, विमला देवी जी और शालू कुमारी जी। तो हमने वो इलेक्शन करवाया। 14 के 14 हमारे माननीय सदस्य जो थे वो प्रेजेंट थे, उन्होंने वोटिंग करी और 7 वोट विमला जी के पक्ष में पड़े और 7 वोट शालू जी के पक्ष में पड़े। तो अकॉर्डिंग टू रूल फिर हमें ड्रॉ ऑफ लॉट्स करना पड़ा, जिसमें हम इन दोनों के नाम लिखते हैं, फिर एक बक्से में रखे, फिर उसमें हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी डिप्टी कमिश्नर को वो निकालना पड़ता है, उनमें से एक उठाना पड़ता है। तो उसमें से जब हमने ड्रॉ ऑफ लॉट्स किया तो उसमें से विमला देवी जी का नाम आया, तो उनको हमने शपथ भी दिलवा दी है। तो आज की डेट से जो है विमला देवी जी जो है जिला बिलासपुर के जिला परिषद की अध्यक्ष है।